तो दोस्तों ये है अपना 10th पार्ट, लिविंग क्वार्टर। इसमें हमें क्या करना है, मिलिट्री कम्युनिकेशन टावर्स को डिस्ट्रॉय करना है जो मॉस्को से लिंक है। इधर मुझे लगता है तगड़े हथियार मिलने वाले हैं। मशीन गन, वाओ। हमारा ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रलाइज एनिमी आउटपोस्ट्स। जितने भी एनिमी के आउटपोस्ट हैं उस सब को जो है एलिमिनेट करना है एनिमी को, और आउटपोस्ट को कैप्चर करना है। टू हंड्रेड बुलेट्स हैं पूरी मैगजीन में, गन तो बड़ी शानदार है। मतलब आते ही स्वागत करोगे? कहाँ जा रहे हो भाई? कौन मार रहा है, कौन मार रहा है? वो अपने पास लगता है रॉकेट लॉन्चर नहीं है, ये हैवी मशीन गन है, तो शायद इस वजह से हम लोग कैरी नहीं कर सकते हो। ये इसका एक ड्रॉबैक है। मतलब ये हैवी गन है इसीलिए ये जो है आर्मर को आराम से पियर्स कर रही है। कौन है? आ जा बेटा, तेरा स्वागत करता हूँ। दो दो, अब इसको कैप्चर करते हैं। ओ माय गॉड, इधर तो बहुत है। पीछे भागो, भागना पड़ेगा नहीं तो ले लेंगे मेरी। अब आ जाओ, अब रिलोड हो गई तुम्हारी। ऐसी तैसी करता हूँ मैं ये। अरे दोनों ये रॉकेट लॉन्चर वाले बंदे थे, ये भी तीसरा भी। भैया कोई गनर भी है कि नहीं? सारे रॉकेट लॉन्चर से ही मारोगे? बड़े बड़े हथियार लेके आ जाते हो। ये कहाँ से मार रहा? छुपना पड़ेगा भाई, बैंड बजी पड़ी है। ये कहाँ भाग रहा है इकलौता बंदा? इसको तो मार दिया हमने। इसको भी खत्म किया। अब ये एरिया कैप्चर करते हैं, अपने आप ही ये लोग हट जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है, जब आप एरिया कैप्चर जब तक नहीं करते हो ना, तब तक आते रहेंगे, और जैसे ही आप कैप्चर करोगे ना, ये लोग फिर भागने लगेंगे। अब ये आउटपोस्ट हमने कैप्चर कर लिया, अब दूसरा कैप्चर करना है। अब ये हमने कैप्चर कर लिया तो देखो ऑटोमेटिकली जितने भी आर्मी मैन है वो रिट्रीट कर रहे हैं। ये पूरा किला जो है, कैसल है, इसमें घुसे पड़े हैं। एक एक करके इन सब की पुंगी करता हूँ। ये ले यार, अपने पास स्नाइपर नहीं है। स्नाइपर होता तो बिल्कुल धाक। ओ माय गॉड, ऐसे करोगे?
फिर ओ यार सब क्या रॉकेट लॉन्चर ही लेके बैठे हो क्या? अमीर पार्टी है बहुत। ये भी गया, कोई स्नाइपर भी है, सब सब महंगी पार्टी है। ये भी देखो, ये भी रॉकेट लॉन्चर से मार रहा था। ये रहा, लेकिन इस बंदूक में ये खासियत है, ये देखो मैं आर्मर पे मार रहा हूँ, अभी आर्मर डिस्ट्रॉय हो गया। वैसे आप कोई भी मशीन गन, सब मशीन गन लोगे या कोई भी असॉल्ट राइफल लोगे, वो आर्मर का कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहाँ से आ रहे हो तुम? ये भी एक आर्मर है, आप देखो इसको कैसे मैं बर्बाद करता हूँ। ये तो गया, कोई स्नाइप कर रहा है भाई। ये तो छोड़ के ही भाग गया। कौन है? मुझे कोई और हथियार का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसे खत्म नहीं होने वाला ये। अपने पास कुछ है? हाँ अपने पास ड्रोन है, शुरू हो जाओ भाई। अब ये देखो क्या सेटिंग है, 32,000 DPI पे माउस चल रहा है और इसमें मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे 1,000 से नीचे आना पड़ेगा शायद। ये कहाँ जा रहा है भाई, कुछ पता नहीं लग रहा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इतना अच्छा हथियार है, वेस्ट जाने वाला लग रहा है। गोली, ओह माय गॉड, वेस्ट हो गया। अब भाई चौड़े होके अंदर ही घुसना पड़ेगा। फिर कोई स्नाइपर है, तुम्हारी तो पहले मैं लेके रहूंगा। ओ दिख गया, अब न बचेगा। ये और आ गया चिंदी चोर। बेटा तुम्हारे तो मैं लूंगा। ये स्नाइपर खत्म हुआ, अब धावा बोलने का टाइम है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या है, धुआं निकल रहा है यानी ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये अपना ही आदमी है, नीचे उतरना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं हुआ इधर चढ़ के। इधर एक आर्मर्ड है यार, ओ इसने तो बहुत ले ली मेरी लाइफ, बहुत तगड़ा डैमेज दिया इसने। तुम तो गए बेटा, तुम तो गिनती गिन लो। अब ये हमारे पास एक बेस है कैप्चर करने के लिए, क्योंकि एक बंदा तो आ रहा है, इसको उड़ाते हैं। अब बेस कैप्चर करने के लिए चलना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही था, मुझे लगा शायद इसको डिसेबल कर सकते हैं। अब हम आउटपोस्ट को सिक्योर कर रहे हैं, तो ये हमारा एक बेस हो जाएगा। बेस का मतलब होता है कल को मेरी कोई भी व्हीकल अगर डिस्ट्रॉय होती है या मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ आर्मी के द्वारा, तो मैं दोबारा इधर ही से स्टार्टअप करूँगा, यही मेरा नियरेस्ट बेस होगा।
अब ये हमें ब्रिज कैप्चर करना है और कम्युनिकेशन टावर डिस्ट्रॉय करना है। तो हमें अब गाड़ी मिल चुकी है। आ जाओ बेटा। अब बताता हूँ मेरे हथियारों में क्या दम है। यार सामने टैंक है। शिट। अरे एयर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं धमाका करूँगा बिल्कुल। ये देखो गया, ऐसे उड़ाते हैं। ये गोलियां कौन चला रहा है भाई? तुम गलत आदमी से पंगे ले रहे हो। बाजा बजा दूंगा मैं। अब कोई है? माइकल लाल। इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते शायद। जानबूझ के ये लगाया हुआ है ताकि गाड़ी जो है वो निकल ना पाए। तो अब हमें दूसरा रूट लेना पड़ेगा और इधर से कुछ दुश्मन आ रहे हैं। यार ये माउस की वजह से जो है ना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी ये देखो ऐसे करते हैं। लाइसेंस मेरे पास है नहीं तो मैं यही काम कर सकता हूँ। मेरे पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है। ओ भाई के बाजा बजा दिया मैंने। आ जाओ किसमें कितना है दम। यार इसने तो बहुत आग लगाई है मेरी। लगता नहीं है मेरी गाड़ी ज़्यादा टाइम तक टिकने वाली है। रिपेयर तो हो रहा है। ये ऊपर से कोई ना कोई जो है ना रॉकेट लॉन्चर से ऐसी तैसी कर रहे हैं मेरी। ओ भाई दो दो मैं गया। शिट। अब चौड़े होके खेलना पड़ेगा। तुम लोग नहीं मानने वाले हो, मैं तुम्हें हल्के में ले रहा था। बंदूक की लड़ाई है बंदूक से करो ना। तुम लोग बार बार एयर राइफल और रॉकेट लॉन्चर क्यों यूज करते हो? अब इसको कैप्चर करने का टाइम आ गया, नहीं तो ये लोग आते रहेंगे। फटाफट कैप्चर करना पड़ेगा। ये शुरू हो गया इधर से। ये ऑटोमेटिक है सेंट्री गन। तो हम ये एरिया कैप्चर कर चुके हैं। और तुम कहाँ जा रहे हो भाई साहब? ये किसी को ऊपर है कोई बंदा, ये गोली नहीं मार पा रहा है इसको। बताओ ऐसे ऐसे फुद्दू लोग हैं हमारी टीम में। अब आगे चलते हैं एरिया कैप्चर करने के लिए। इधर तो बहुत बंदे हैं। आ जाओ बेटा, तुम्हारा स्वागत करूंगा मैं पान पराग से।
खतरनाक फायरिंग की है मैंने भाई, सब मजा आ गया। पांच बंदों को तो ऐसे ही टपका दिया। इनको पता कैसे लग जाता है, मैं थोड़ा साइड जाता हूँ तो इनको पता लग जाता है, उधर ही से गोलियां चलने लगती है। भाई छुपने का टाइम आ गया। इसकी तो टोपी हवा में उड़ गई। इसकी देखो कितनी ऊंची हेलमेट उठी है। ये है अपनी सेंट्री गन और इसको हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, नहीं तो ये हमारी ले लेता अच्छे से। अब इधर मुझे रॉकेट लॉन्चर मिल चुका है, अब आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। लेकिन अभी मैं टावर पे चढ़ता हूँ, पहले देखते हैं टावर पे क्या है, क्योंकि टावर पे जहाँ तक हमें पता है कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है। हाँ, इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है चार्ज लगा के। अब हमें इधर से फूट लेना चाहिए। तो हमने ये कम्युनिकेशन डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब हमें म्यूनिसिपल बिल्डिंग से जो है रेड स्टार के जितने भी बेस है उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये स्लम एरिया में है और हमें अब गंदगी में खेलना पड़ेगा। कुछ हमें इधर हथियार नहीं मिलने वाला है क्या? कोई मस्त सा हथियार मिल जाए, मजा ही आ जाए। अपना टैंक अपने पास है। आ गई अपनी बख्तरबंद गाड़ी, अब धमाका करेंगे मजे से। कोई है? आ जाओ बेटा, टैंक गया उधर से। ये अपना ही टैंक है ना? हाँ, भाई हट जा यार, तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा मैं। मारो इसकी ऐसी तैसी। अच्छा, इसमें लोड होने में कोई टाइम नहीं लेता तो। अरे ये सामने आ कैसे आ गया भाई? ये लोग प्रकट होते हैं क्या अचानक से? बाजा बजा दूंगा मैं तेरा। ये होता है बाजा, पीछे से घूम के अटैक करते हैं स्ट्रेटजी के साथ। सारी स्ट्रेटजी मिट्टी में मिला दी इसने, छुप छुप के। ओ भाई चॉपर भी आ गया, भागना पड़ेगा इधर से। चॉपर के सामने नहीं टिक सकता मैं, है कहाँ चॉपर? पता नहीं कहाँ पे है। मेरी बजा देगा चॉपर, क्योंकि इसका तो एक एंगल फिक्स रहता है। ये कितनी, ओ यार ये आते ही शुरू हो गया। निकलो इधर से, इसकी लगाओ। आग ही आग लग रही है, अब मेरा बुरा वक्त आ गया लगता है। गया, मुझे उम्मीद थी बेटा मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ये ले बेटा, गलत आदमी से पंगे ले रहा है तू। कहाँ जाओगे बच के? लास्ट है बेटा लास्ट, तीसरे में तो तुम लटक जाओगे। ये देखो छुप रहा है मेरे से। कहाँ गए भैया तुम? तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बेटा तुम दिख गए, आओ। ओहो बहुत स्मूथ। अब दूसरे ऑब्जेक्टिव पे जाना है। ओह
घेर के खड़े हुए हैं ये लोग। आ जाओ मुन्ना, तुम्हारे ही इंतजार है। यार इन लोग का निशाना बड़ा तगड़ा है। मैं 3-4 बार रॉकेट लॉन्चर मारता हूँ तब जाके एक बार लगता है, इनका एक बार में काम तमाम कर देता है। कोई बात नहीं बेटा, ख़त्म तो हो ही गए तुम, अब मैं एरिया कैप्चर करूँगा। अब बाकी का मामला मेरे स्क्वाड संभाल लेगी, कोई बंदा होगा इधर तो। अब ये वाला एरिया कैप्चर कर चुके हैं, दो और एरिया बचे हुए हैं अभी। डिफेंस पोस्ट था ये जो हमने न्यूट्रलाइज किया है। इसकी तो गन्नी मौत हुई है, बहुत भगा भगा के मारा है मैंने। इसमें कोई है कि नहीं है देखना पड़ेगा पास जाके। अब म्यूनिसिपल बिल्डिंग एंड प्लाजा को हमें बचाना है, तो जो भी हमारे आसपास है उसी में जाते हैं पहले। ये है सबसे पास, तो शायद ये प्लाजा है। कुछ हथियार भी मिल गए हमें। हाँ ये प्लाजा ही है, तो ये हमने प्लाजा भी सिक्योर कर लिया है। म्यूनिसिपल बिल्डिंग सिक्योर करनी है, कोई ना कोई तो है भाई उधर। भाई इधर तो बहुत है, छुपना पड़ेगा भाई, कवर लो नहीं तो बच जाएगी अपनी बाजा। दो को मार दिया, तीसरा गया। और कोई है? चौथा गया, पांचवा गया, सिक्स्थ गया। मतलब सारे बंदों को अगर मैं ही मारूंगा तो मेरी स्क्वाड काय के लिए? मजाक करने के लिए होगा तुम लोग? इसको भी मैं नहीं मारा, तुमसे एक बंदा ना मर रहा। नालायक लोगों की टीम है ये। हैंड ग्रेनेड उतनी दूर नहीं जा पाएगा, और ऊंचाई पे फेंकते हैं या हवा में ही फट गया, यानी इसकी रेंज जो है लिमिटेड है। तो अब म्यूनिसिपल बिल्डिंग को हम सिक्योर करते हैं। तो अब हमारा म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो है वो सिक्योर हो चुका है। देखते हैं इधर कोई तथपुंजी ये लोग हैं कि नहीं है। कोई नहीं है, अब हम मॉस्को की तरफ जाएंगे इसमें, और जितनी भी फाइटिंग सीक्वेंस होगी वो सारा मॉस्को के बिल्डिंग्स एंड मॉस्को की स्पेस में होगी। अब न्यूट्रलाइज करना आर्मी की आउटपोस्ट को। चलो देखते हैं भैया क्या करना है हमें।
इन्होंने टावर भी लगा रखा है जिससे कोई भी जैसे टैंक हुआ या कोई भी व्हीकल हुआ वो उधर जा नहीं सकता, ये न्यूट्रलाइज कर देता है सारे व्हीकल को। ईएमपी एक्चुअल में स्कैनर है ये, तो ईएमपी वाला जो टावर है इसको पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तभी हम जा पाएंगे उधर कोई भी हैवी व्हीकल लेके। ईएमपी वाला जो है उसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं हमारे स्क्वाड के लोग। अब रोड ब्लॉक पे हमें जो है कैप्चर करना है और सिक्योर करना है। ये एक तो भाग रहा है, चलो इसको तो छोड़ो, कोई ना कोई तो है इधर, ये आर्मर्ड में छुपा हुआ है। बट मेरे पास मशीन गन है, हैवी मशीन गन, तो वो उससे बच नहीं पाएगा। इधर बहुत ज़्यादा बंदे हैं, देखते हैं इधर क्या कर सकते हैं। अच्छा बात है भैया, स्नाइप करते रहो, स्नाइपर है अपने पीछे। भाई उसने ले ली मेरी, छुपो छुपो, कवर लो यार फटाफट। शिट मैन, गलत जगह पे आ गए, बिल्कुल सामने स्नाइपर है, हमें इधर से कूद जाना चाहिए। वो रहा सामने, देखो ऊपर से मार रहा है बिल्कुल टॉप से, और हमारे पास कोई भी गन नहीं है जो उसको एलिमिनेट कर पाए, तो हमें कूद जाना चाहिए, तो इधर से कट लेना चाहिए जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ओ भाई ये इतना पास कैसे आ गया, ये कौन सी बला है इसमें, बाल बाल बचे हैं, ये पता नहीं क्या चिपक के आ गया, बताओ। पुराना गेम है, इसमें इतनी ग्लीचेस बहुत ज़्यादा हैं। अब एक एक करके हम जो है कवर लेते जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर हम सामने से जाएंगे तो स्नाइपर हमें जाने नहीं देगा। अभी भी है क्या उधर कोई स्नाइपर, लग तो रहा है अभी भी जिंदा है वो स्नाइपर। तुम्हें तो मैं खोपचे में लूंगा, ये कोई ना कोई टैंक या व्हीकल है। कवर लेना पड़ेगा ये तगड़ा वाला, एक एक करके इधर सबको एलिमिनेट करते हैं पहले। इन्हीं चीज़ों में अगर मेरे पास स्नाइपर होती है ना तो मज़ा आ गया होता, क्योंकि एरिया जो है काफ़ी दूर है, डिस्टेंस बहुत दूर है, और इसमें ये मशीन गन काम नहीं करने वाली, क्योंकि मशीन गन की बेसिकली जो रेंज होती है वो 600 मीटर तक होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और स्नाइपर जो है एबव 1500 मीटर से शूट करता है। अब हमारा टैंक इधर आ चुका है तो हम टैंक यूज़ करेंगे और थोड़ा कोहराम मचाते हैं।
इधर भी टैंक है। ओ माय गॉड, तभी ये जो है ऑटोमेटिक मशीन गन टाइप की चल रही थी इधर से, इसका तो बाजा बजा दूंगा मैं, बजा भी दिया मैंने। और तुम्हारे में पुंगी बजाऊंगा बेटे, आ जाओ कोहराम, देखो कैसे होता है। मामला साफ है एक बार में। अब इंफॉर्मेशन नोट जो है उसको सिक्योर करना है। ये लोग प्रकट होते हैं, ये इनके जो टैंक है ना वो प्रकट होते हैं अचानक, दिखता भी नहीं है कि कब आ रहे हैं। ये डिस्ट्रॉय हो चुका है कि पता ही नहीं लग रहा भाई, फट जाओ, शायद फट ही चुका है, लग तो नहीं रहा, क्या पता क्या है। वो देखो फिर आ गई है, ये अचानक से प्रकट होते हैं। अब तो लगता है अपनी पुंगी बजने वाली है, बहुत पास आ गया है। निकलो भैया इधर से, गए हम, मुझे लगा ही था ये हमें मार देगा। अपने पास वो नहीं है क्या? नहीं है यार, अपने पास रॉकेट लॉन्चर नहीं है क्योंकि आप अपने पास हैवी मशीन गन है। अब ये फूट चुका है, तो चलो अपने हथियार अपग्रेड करते हैं और बुलेट्स लेते हैं और निकलते हैं इधर से दूसरे टारगेट की ओर। अब हम लोग को लेफ्ट जाना है, जो बेस है 173 मीटर की दूरी पे है। ये आर्मर्ड वाला बंदा बैठा हुआ है इधर, सही जगह पे इन्होंने लगाया हुआ है। एक और बंदा कोई मार रहा है, रॉकेट ही रॉकेट मारे जा रहा है। ये देखो रॉकेट का, कोई कवर लेना पड़ेगा अच्छा वाला। तो इधर टावर पे भी दो लोग हैं, जमीन पे है एक, तो लॉन्च कर रहा है रॉकेट लॉन्चर से। वो जो ऊपर है, वो जो नीचे उसके आप देख रहे हो, वो सेंट्री गन है। ये तो गया, सेंट्री गन बच रही है जिसको हम अभी डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये भी बंदा गया। अब आ जाओ भाई लोग, इनके पास आर्मर्ड बहुत है। ये तो गया आर्मर, अब आगे चलना चाहिए शायद। एक एक को देख लूंगा बेटा, इससे बढ़िया ना मेरे पास स्पेशल ऑप्स वाली बंदूक होती ना, वो सही रहती है। अब इसके बाद जो डिप्लॉयमेंट होगी उसमें मैं स्पेशल ऑप की बंदूक ही लूंगा, ये वाली गन मुझे अच्छी नहीं लगती है। उस वाले गन में रिकॉयल भी नहीं होता है। मैं थोड़ी सी के पास चले जाओ, ये लोग परेशान हो जाते हैं।
टैंक लेते हैं और पीछे से घेरते हैं इनको। फिर आ गई, मतलब तुम आते ही क्यों हो? तुम लात खाने के लिए आते हो क्या? तुम्हें गोलियों का तो कुछ असर हुआ नहीं? अब देखो मैं टैंक लेके आया हूँ अच्छा खासा, अब देखो धमाका, इसको कहते हैं टैंक का कोह रहा हूँ। तो इधर का मामला ऑलमोस्ट साफ हो चुका है, अब इसको हम पीछे से जाते हैं। ये तो हम आगे से हैं फ्रंट टू फ्रंट, और आगे हमारा टैंक जा नहीं सकता, तो हम ऐसा करते हैं हम पीछे से आते हैं टैंक लेके, ताकि हम बहुत ही क्लोज में मार सकें। घेर के मारते हैं इनको, छोड़ूंगा नहीं। और कोई है तो बताओ। मुझे गाड़ी तक चलानी नहीं आ रही लग रहा है। देखे कुछ हथियार वथियार के लिए है लेने के लिए? नहीं है अपने पास कुछ भी। रॉकेट लॉन्चर वाला बंदा दिख गया और इसकी हमने ले ली। और भी बंदे हो सकते हैं इधर, थोड़ा सर्च एंड डिस्ट्रॉय करते हैं। इधर से कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, इसकी पहले पुंगी बजाते हैं। ये देखो छुप के आ रहा है बंदा। ये तो तुम तो गए बेटा। अभी तक कुछ ना कुछ तो इनका ग्रुपिंग होगी भाई। इधर आर्मर्ड व्हीकल है, आर्मर वाला बंदा है इधर। इसको ग्रेनेड से तो उड़ा ही सकते हैं। चलो ग्रेनेड ट्राई करते हैं अभी। ये सेंट्री गन है जिसको हम डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। पूरी मैगजीन खत्म हो गई, इसको कुछ ना हुआ। बस अब ये खत्म। सबसे डरने वाली बात इसी से थी, क्योंकि ये रॉकेट भी लॉन्च करता है और गन भी चलाता है। इधर एक स्नाइपर है। ये क्या है, इतना पास पहुंच गया हूँ। इधर से कल्टी लेना पड़ेगा। इधर ग्रेनेड मारते हैं, कुछ होता है तो देखते हैं। यार तीन ग्रेनेड मार दिए मैंने, फोकट में आ रही है क्या सारी चीजें? कुछ फर्क नहीं पड़ा उस पे। रीलोड कर तू बुलेट्स को, फिर मैं बताता हूँ। अब ये बंदा निकल गया, इसको पता लग गया कि पीछे से आ रहा है बंदा, तो ये निकल लिया। इसको भी मार दिया हमने स्नाइपर को। इधर कुछ मिलने वाला है हमें? नो। बंदा कैसे उड़ रहा है हवा में? अब इधर से कुछ आवाजें तो आ रही है, यानी कुछ ना कुछ तो बंदे हैं इधर। इसको तो उड़ा दिया हमने, ये भी गया बंदा।
वो इधर आर्मर्ड व्हीकल है, ग्रेनेड यूज़ करना पड़ेगा अगर हमारे पास है तो। ग्रेनेड ख़त्म है अपने पास, वेरी गुड, इसी की कमी थी। और इस गन की बुलेट से कुछ होने वाला है नहीं। और इधर हमें कहीं बुलेट्स मिलने वाली नहीं है, तो हम अपना टैंक लेके निकलते हैं इधर से। अब हमारे पास बुलेट्स और हैंड ग्रेनेड्स आ चुके हैं। तो हम पैदल ही जाएं उसको एनिमी को फेस करने के लिए कि टैंक ले लें? मेरे ख्याल से टैंक ले ही लेते हैं और पीछे की तरफ से जाते हैं और पीछे की तरफ से इसको धमा चौकड़ी मचाते हैं। तो हम ये वाला जो है रूट चेंज करेंगे अपना, और हम इधर से होते हुए इधर, तो रूट लग नहीं रहा है, जाने देगा नहीं, बिकॉज दूसरे गेम में हम देखते हैं तो टैंक जहाँ जहाँ से जाती है ना वो चीज़ें डिस्ट्रॉय करती हुई जाती है, बट इस मैप में ऐसा नहीं है। ये थोड़ा ओल्ड गेम है तो इस इन्होंने उस टाइप से इंट्रैक्शंस को सोच के बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि पहले टाइम के जो गेम आते थे वो कम ग्राफिक्स वाले होते थे और कम हैवी हुआ करते थे। तो अब तो आजकल जो गेम आ रहे हैं वो रियलिस्टिक की जो एक बाउंड्री है उसको क्रॉस किए जा रहे हैं, तो उसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी तगड़ी होती है और रियलिज्म भी होता है। अभी तो ये एक्शन शूटर गेम है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे हम स्ट्रेटेजी गेम भी इसमें प्ले करेंगे आगे आने वाले टाइम में। ये फिर इधर वही है, वो अपने पास ग्रेनेड है तो एक आध ग्रेनेड का यूज़ करते हैं और इनको दहलाते हैं थोड़ा। सही निशाने पर पड़ा है? नहीं पड़ा, फिर एक और ग्रेनेड डालो, निकल लो भाई, अब तो मामला खराब हो चुका होगा। हाँ वो उधर से बंदे जो है डेड है, लेकिन उसके जस्ट पीछे एक और आर्मर है जिसको हमें फिर से जो है डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसके लिए इतने दूर से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि मैं हैंड ग्रेनेड भी नहीं फेंक सकता, मुझे आसपास जाना पड़ेगा। तो मुझे रन करते हुए इधर ही भागना पड़ेगा। तू तो गया बेटे। अब इधर एक बंदा छुपा हुआ है जिसको मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। अब तुम भी नहीं बचने वाले बेटा, मैं तुम्हारे इतने आस पास आ चुका हूँ, हैंड ग्रेनेड इजली से बांध सकता हूँ मैं। गया तुम्हारा, ये तो बैम बैम बिगलो हो गए। इधर तीन तीन है यार, इधर एक हैंड ग्रेनेड मारना पड़ेगा। हेल्थ अपनी डाउन हो चुकी है काफ़ी।
ये लो गोली एक आध तो मरा ही होगा भाई, मेरे ख्याल से एक ही मरा है। इधर एक दूसरा आ गया, तीन थे टोटल, यानी एक तो हैंड ग्रेनेड में मारा जा चुका है, दो को हमने मार दिया और एक की और आवाज आ रही है कहीं से पीछे की तरफ से, उसको भी देखते हैं वो कहाँ पे है, होना चाहिए आसपास ही। ये आ गए, अब ये अपना टावर है, इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो हम इस पे चार्ज लगाएंगे। और इधर से कल्टी मारेंगे, ये एक और आ गया बंदा, तो ये टावर भी उड़ा चुके हैं, कम्युनिकेशन टावर। तो इनका जो रिले स्टेशन है वो आउट ऑफ कमीशन हो चुका है, हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। Mission accomplished. You sure you want to stick with this, Princeton? You think I made it this far and now suddenly I can't take the heat? Well, Telltale, you hear about the 128? Yeah, I heard they were nuked. Not far from here. They weren't just nuked. The entire strike force was wiped out. Your little press badge won't get you out of that. As long as you're standing next to me when it goes off, Braley, then it'll all be worth it.